हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट डू डेट्स मीन. ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वन. सो इफ समबडी आस्क यू द डेट, तो यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और ईयर. ठीक है, समथिंग लाइक 2020, टुडे डेट इज 9th जून 2020. ठीक है, तो एक तरह से इस तरह से आप डेट्स को मेंशन करते हैं. बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ 2020? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ये ईयर है इट इज़ 2020? तो कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना ये, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तब जाकर ये 2020 तक आया है. तो अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इस जगह से लेके आगे 10 कदम चला, तो कहीं से तो वो ज़ीरो स्टार्ट हुआ होगा जहाँ से हमने 10 कदम चलना स्टार्ट किया. तो इसी तरीके से ये 2020 जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो. ठीक है, तो दीज आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो ये जो ईयर्स हैं ये मोस्टली काउंट किए जाते हैं जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस टाइम के बाद के जो जितना भी टाइम था वो. ठीक है, इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब उनके बर्थ से पहले का जो टाइम था, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, मतलब उनके बर्थ से पहले का टाइम. एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट द होल टाइम इज इंक्लूडेड इन एनो डोमिनी. एनो डोमिनी बोलते हैं जिसको, एडी. ठीक है, कई लोग एडी को आफ्टर डेथ से भी रेफर करते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. देखिए वो कैसे है वो समझाते हैं. मान लीजिए यहाँ ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो उनसे उनकी बर्थ से पहले का जो टाइम था तो वो हम करेंगे इंक्लूड बीसी में, बट उनकी बर्थ के बाद का जो टाइम था एडी में इंक्लूड होगा वो, लेकिन उनके बर्थ के बाद का जो टाइम था तो अब वो कुछ साल तो ज़िंदा रहे थे ना, मान लीजिए 20 साल, 25 साल, तो वो 25 साल यहाँ तक आए. तो इसके बाद आफ्टर डेथ जब उनकी यहाँ डेथ हुई तो ये वाला टाइम उनका जो जितने साल वो ज़िंदा रहे वो टाइम गायब हो जाएगा ना बीच में से उनके बर्थ के बाद का. तो अगर आफ्टर डेथ कहेंगे तो वो काउंट कहाँ से होगा, यहाँ से आगे होगा. लेकिन हमें क्या कहते हैं, बर्थ जो है जीसस क्राइस्ट का वहाँ से काउंट करते हैं, आनो डोमिनी, मतलब उनके बर्थ के बाद वाला जो टाइम है वो पूरा काउंट होगा उसमें. ठीक है, तो इस वजह से जीसस क्राइस्ट के बर्थ का बाद वाला टाइम आनो डोमिनी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट टाइम इज इंक्लूडेड इन बिफोर सॉरी बीसी. देखिए आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द जीसस क्राइस्ट. कौन थे जीसस क्राइस्ट? ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. जो क्रिश्चियन धर्म हैं उसके फाउंडर थे. क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके भगवान, उनको कहा जाता है जीसस क्राइस्ट. सबके भगवान जो ईसा मसीह थे वो, तो उन्हें जीसस क्राइस्ट कहा जाता है. ओके, सो 2020 मीन्स 2020 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एडी. अगर हम अभी बोलें 2020 चल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, 2020 एडी. तो इस तरह से अगर हम 2020 को काउंट करेंगे तो इसका मतलब होगा 2000 ईयर एंड 20 ईयर्स, मतलब 2020 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को. इसको देखिए कैसे काउंट करेंगे. अगर हम मान लीजिए इस तरह से जो पीछे वाला जो टाइम है वो बैकवर्ड जाएगा. अब देखिए मान लीजिए मैंने कहा 100 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो यहाँ पर 100 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ उल्टा जाता है, बैकवर्ड जाता है. 200 ईयर्स तो 200 ईयर्स यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 100 ईयर्स आफ्टर द जीसस क्राइस्ट बर्थ, तो 100 ईयर्स यहाँ हो जाएगा, 200 ईयर्स यहाँ हो जाएगा.
और यहाँ उल्टा चलेगा बैकवर्ड। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें तो 200 BC, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 BC, तो इट मीन्स 2020, ये अभी 2020 चल रहा है, ईयर चल रहा है, प्लस 200 ईयर्स, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 200 साल पहले, तो इसमें काउंट कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो 2020 साल ये हो गए इनके जन्म के बाद का जो टाइम था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम था वो 2020 ईयर्स हो गए, प्लस 200 बैक जो बीसी है वो 200, तो कितने साल हो गए टोटल, 2220 ईयर्स। सिमिलरली सी ई, इससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो एक पूरा कैलेंडर है जो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, बट हर धर्म का अपना एक अलग कैलेंडर होता है। मुस्लिम धर्म का अपना एक अलग कैलेंडर है, हमारे धर्म का एक अलग कैलेंडर है, विक्रम संवत जिसको बोले, और हमारे जो न्यू ईयर है, नया वर्ष, उसकी शुरुआत कब होती है हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अप्रैल मंथ में, ठीक है। बट जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है इट इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, इसी को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग ईयर्स काउंट किए जाते हैं, और क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिस ईयर इज 2020। सिमिलरली सी ई इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एडी, यानी कॉमन एरा सी ई, एंड बी सी ई इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बी सी, यानी बी सी ई बिफोर कॉमन एरा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और, कि जो बी सी जो सी ई टर्म है जिसका मतलब कॉमन एरा, ठीक है, तो उसको हम कंफ्यूज मत होना, उसको हम जो ए डी है उसी में उसी टाइम को बोलते हैं कॉमन एरा, और जो बी सी ई है उसको हम बी सी वाला जो टाइम है यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसी में इंक्लूड करते हैं बी सी ई को, दोनों का कॉमन मतलब कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा दोनों एक सेम ही टर्म है, सेम टाइम के लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, सो डोंट गेट बी कन्फ्यूज बिटवीन द सी ई एंड बी सी ई एंड बी सी और ए डी, ठीक है।